नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे वीडियो के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, अगर आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है, अगर आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आज की मैं आपको बताने वाला हूं कि 2023 के अंदर जो आयुष्मान कार्ड बनाने का प्रोसेस है बहुत ही आसान कर दिया गया है। इस प्रोसेस से आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही आपका जो आयुष्मान कार्ड है घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से बना सकते हैं। वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, कौन से पोर्टल पर आपको विजिट करना रहेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगा, सिंपली आपको वहां पर क्लिक करना है। आपके सामने प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना का ऑफिशियल पोर्टल है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद में आप देख सकते हैं कि आपको मेन्यू का बटन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने नीचे कुछ एक और ऑप्शन आ जाते हैं, जहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पोर्टल्स का। सिंपली आपको पोर्टल्स के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं वो देखने को मिल जाते हैं। पोर्टल्स के ऑप्शन में ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा विलेज लेवल SECC डाटा। सिंपली आपको यहाँ पर जो विलेज लेवल SECC डाटा का जो ऑप्शन है उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में आपको गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। गेट OTP के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है, ओके के बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको आपका जो OTP है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। नीचे कैप्चा कोड दिया गया है वो नीचे आपको एंटर करना है। लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होने वाला है। ओपन होने के बाद में सबसे पहले तो आप जिस भी राज्य के रहने वाले हैं उस राज्य को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, स्टेट को सेलेक्ट करना है। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ब्लॉक को टाइप करना है, नीचे ब्लॉक का जो नाम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, विलेज का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। सर्च के बटन पे क्लिक करना है। सर्च के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने उस गांव के अंदर जितने भी लोग एलिजिबल है उनकी लिस्ट आपके सामने PDF के तौर पर आ जाती है, जिसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने में जैसे ही आप इस लिस्ट को ओपन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाती है। यहाँ पर आने के बाद में आपको आपका जो नाम है उसको सर्च करना रहेगा। नाम को सर्च करने के लिए ऊपर आपको एक सर्च बार दिया गया है, जहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपका जो भी नाम है राशन कार्ड के अकॉर्डिंग वो नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सबसे पहले आपको सर्च आइकन पे क्लिक करना है, आपका नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद में आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे आपका नाम सर्च करते हैं उसके बाद में अगर आपके नाम से जितने भी लोग आपके गाँव में रहते हैं सभी का नाम आपके सामने कुछ इस तरह से हाईलाइट हो जाता है, जिसको आप जूम करके देख सकते हैं। उसके बाद में उसी नाम के आगे आपको आपकी जो HH ID है वो देखने को मिल जाती है। सिंपली आपको इसी ID को या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपको इसको नोट डाउन करके रख लेना है। अगर आपको इस लिस्ट के अंदर आपका जो नाम है वो नहीं दिखाई देता है, इस कंडीशन के अंदर आपको एक सेकंड ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। सिंपली आपको क्या करना है, इसके होम पेज पर आ जाना है, मेन्यू को वापस से सेलेक्ट करना है। मेन्यू को सेलेक्ट करने के बाद में आपको पोर्टल्स के ऑप्शन पर आना है। वहाँ पर जब आपने सर्च किया था विलेज लेवल SSC डाटा का ऑप्शन, उसके जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है MI एलिजिबल। सिंपली आपको उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे मेन्यू के बटन पे आते हैं पोर्टल्स को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आने के बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। MI एलिजिबल का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, सिंपली इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने नया पेज ओपन होता है, जहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करके जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। OTP आता है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद नीचे IEGREE के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा, जहाँ पे सबसे पहले तो आपका जो भी स्टेट है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको सेलेक्ट कैटेगरी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उसके अंदर आप कोई भी ऑप्शन से आप सर्च कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे नाम के हिसाब से सर्च करने का सजेशन दूंगा, आप यहाँ पे नाम के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। जैसे ही सर्च बाई नेम के ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपका नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है, फादर का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है, मदर का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है, आपकी स्पोज का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में आपको रूरल एरिया से है अर्बन एरिया से वो सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर करना है, आपके गाँव या टाउन का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, एरिया पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करके सर्च के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं आपके एरिया के अंदर आपके नाम से जितने भी लोग रहते हैं सभी की डिटेल आपके सामने यहाँ पर आ जाती है। इसके अंदर से आपको आपकी डिटेल है उसको सर्च करना है। जैसे कि आपका यहाँ पे फैमिली डिटेल का 3rd ऑप्शन है वो अगर आपके ID सही है तो इसको आपको यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करते ही आपके सामने आपकी जो डिटेल है वो वेरीफाई करनी रहेगी। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो इसके बाद में आपको गेट डिटेल ऑन SMS का जो ऑप्शन है उसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप ओपन आता है, जहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS है वो सेंड किया जाता है। सिंपली आपको क्या करना है, वो मैसेज है उसको ओपन करना है। मैसेज को जैसे ही आप ओपन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज है वो देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपके HHD नंबर है वो आपको देखने को मिल जाता है, आपका नाम आपको देखने को मिल जाता है,
इसी के साथ में आपको बताया जाता है कि आपको जो आयुष्मान कार्ड योजना का कार्ड बनवाने के लिए आपका आधार कार्ड और आपका राशन कार्ड आपके पास होना कंपलसरी है। इतना सब करने बाद में आपको आपका जो भी नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर विजिट करना रहेगा आधार कार्ड और राशन कार्ड के साथ में। इसी के साथ में आपका ये जो एचएसजी नंबर मिला है वो आपको साथ में लेके जाना रहेगा। वहाँ पर आपको ये एसएमएस है वो बताना रहेगा। आपका राशन कार्ड और आधार कार्ड वहाँ पर आपको सबमिट करवाना रहेगा आधार कार्ड की केवाईसी करने के लिए। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में आपको वापस से घर पे आना है, 2 से 3 दिन का वेट करना रहेगा। 2 से 3 दिन के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली आपके मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करना है। वहाँ पर आपको सर्च करना है आयुष्मान कार्ड डाउनलोड। इसके बाद में आपको यहाँ पे डाउनलोड आयुष्मान कार्ड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे आधार का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। सीम के ऑप्शन पे क्लिक करना है, वहाँ पर आपको PMJAY का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट स्टेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आप जिस भी राज्य के रहने वाले हैं उस राज्य को सेलेक्ट करना है। आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। आई एग्री के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है जो कि आपको यहाँ पे एंटर करना है। वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है। वेरीफाई के बटन पे क्लिक करते ही आपका जो आयुष्मान कार्ड है कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसको आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से घर बैठे ही आपका जो आयुष्मान कार्ड है उसको बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आयुष्मान कार्ड से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके, अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सके। इसी के साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को दबाइए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी दूसरी इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।